हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की वीडियो है। मैथमेटिक्स में आपका पहला पार्ट चला था, बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ की पहली बुक चल रही थी एलजेब्रा एंड टेक्नोमेट्री, तो उसकी हमने अब तक 9 वीडियो अपलोड कर दी हैं। एक्चुअली में लास्ट वाली वीडियो में क्या हुआ था, लास्ट का जो वीडियो का नाम मैंने दिया है वीडियो 8, और उससे पहले वाली जो वीडियो थी उसका भी वीडियो 8 दिया है। तो जो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको 9 कर दूंगा मैं, लेकिन उस पर जो थंबनेल बना हुआ है तो उस पर वीडियो 8 लिख रहा है, तो दो आठवीं वीडियो दो हैं। तो एक्चुअली में ये जो वीडियो है वो आठवीं हो गई, इससे पहली वाली 9वीं, और ये जो वीडियो आपकी कौन सी है 10वीं वीडियो है। तो बीएससी मैथ फर्स्ट एलजेब्रा टेक्नोमेट्री वीडियो नंबर 10। और आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके कराएंगे हम। कुछ बच्चे बोलते हैं सर अपनी ओर से कराते हो क्वेश्चन या बुक से कराते हो, देखिएगा ये वाली बुक है मेरे पास में एलजेब्रा एंड टेक्नोमेट्री, ये लॉर्ड कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, और इसी से मैं जितने भी सवाल कराता हूँ इससे, और एक और बुक है मेरे पास में, दो बुकों का इस्तेमाल करता हूँ मैं। और इसमें ये जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है बुंदेलखंड 2019 में आया था, ठीक है, और 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल एक जरूर मिलेगा। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन को समझो जरा। पहले क्वेश्चन आएगा रिसॉल्व साइन एक्स प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, या कभी कभी कहता है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, या कभी कहता है रिड्यूस ए प्लस आई बी फॉर्म, ए प्लस आई बी फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो ओवरऑल बात समझ गए आप कि आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट इसमें से निकालने, फाइंड आउट करने, टू फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले दो तीन बातों की पता रहनी चाहिए। कुछ फॉर्मूले से मैं लिखवा दे रहा हूँ जो आपको पता रहनी चाहिए, वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉर्मली याद करवा दे रहा हूँ कि भैया आई की जो वैल्यू होती है -1 होती है, और आई स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1 होती है, ठीक है, ये तो आप जानते हो सभी लोग। लेकिन आप ये भी जानते हो कि साइन आई एक्स बराबर क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, साइन आई एक्स कॉस आई एक्स बराबर क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, ये हो गए दो फॉर्मूले। एक और फॉर्मूला ले लीजिए आप, क्या साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। एक और फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, यानी कि ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस चीज़ का आप साथ में, इसके साथ में ये भी याद कर लीजिए, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा साइन ए साइन बी, ठीक है, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इन फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, ये पता है तो ये हो जाएंगे। और एक और फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है ई की पावर, इलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाता है, ये है। ये फॉर्मूला याद कर लिए तो आज की वीडियो कम्प्लीटली आपको याद हो जाएगी, अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे सारे सवाल, और आपके 5 से 7 नंबर इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, देखिएगा बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ये दे रखा है आपका साइन, लिख देंगे वी हैव, क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस आई वाई, ये ठीक है। अब इसका आप अकॉर्डिंग दिस साइन ए प्लस बी, ये देखिएगा ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे कि भैया साइन ए, साइन ए की जगह पर ये कॉस बी कॉस आई वाई प्लस, ठीक है, प्लस कॉस ए यानी कि कॉस एक्स इंटू साइन वाई साइन बी यानी साइन आई वाई, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग मैंने खोल दिया ये, ठीक है। चलो यहाँ से आगे कैसे करोगे, ये देखिएगा साइन एक्स से तो कोई आपको कुछ नहीं करना है, बचा ये कॉस आई वाई, कॉस आई वाई देखना जरा, कॉस आई एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसीलिए ये कितना हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई, समझ पाए,
भाई कॉस आई एक्स का फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक एक्स, तो एक्स की जगह पर वाई है तो वाई आ जाएगा, सिंपल सी बात है, हो गया। अब बीच में लगाएंगे प्लस, ये है कॉस एक्स और ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक वाई। कैसे पता चला देखिएगा, साइन आई एक्स का फॉर्मूला होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो आई आगे आ जाएगा हाइपरबोलिक एक्स। ये आई को अब यहां पर इस रूप में लिख देंगे, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई को आगे लिख दूंगा आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो देख लीजिए ये इस रूप की बनी, नहीं बनी ए प्लस आई बी, इस रूप में हो गया सेपरेट। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि भैया क्या रियल, रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट आपका ये वाला रियल पार्ट कहलाता है जिसमें आई नहीं होता है, तो ये आपका रियल पार्ट होता है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। और आपका ये जो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा, ये होगा आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, राइट। तो ये आपका उत्तर आ जाए, उत्तर यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, उत्तर यहाँ पर भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेंगे धीरे धीरे करके। तो अब आपका ये प्रश्न हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे मैं आपको बता दूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें पेज नंबर भी बता दिया करो, ठीक है, तो मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा आपके। चलिएगा ये अब हम चल रहे हैं अगले सवाल पर, ठीक है। अगला सवाल आपका दे रखा है, ये पेज नंबर है आपका 359, पेज नंबर है 359, क्वेश्चन दे रखा है आपका टू सेपरेट, टू सेपरेट साइन हाइपरबोलिक जेड इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये है आपका। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो बुंदेलखंड 2009 और ये दूसरी किताब में बुंदेलखंड 2015 है, तो बुंदेलखंड में आया है, इंपोर्टेंट सवाल है, इंपोर्टेंट कर लीजिए, सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी सीसीएसयू मेरठ के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सवाल, ऐसे प्रश्न कई बार आ चुका है, ठीक है। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। चलो आपको हम बता दें, ये है आपका साइन हाइपरबोलिक जेड, ठीक है। अब आपका देखना जरा, जिस तरीके से साइन आई एक्स को आई साइन हाइपरबोलिक एक्स कह सकते हैं, तो उसी तरीके से इस वाली जगह पर आई साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह पर मैं इतना लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ लेकिन यहाँ पर आई नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आई की मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं साइन हाइपरबोलिक जेड, और आई का कर दे रहा हूँ मैं भाग, कोई दिक्कत, इस वाली संख्या में मैंने आई की मल्टीप्लाई कर दी और आई का कर दिया भाग, तो ये वाली संख्या तो ज्यों के त्यों रहेगी, अभी कोई फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरा अब सवाल सॉल्व होने लगेगा कैसे, देखिएगा। अब मैं इसको कितना 1/i ज्यों के त्यों लिख दे रहा हूँ और इसको लिख दे रहा हूँ मैं, चलो यहीं पर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा इसको आगे यहीं पर बढ़ा दे रहा हूँ, 1/i को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये कितना है आई साइन हाइपरबोलिक जेड, ये चीज आ जाएगी। इतना तो समझ पाए बातों को आप, यहाँ के बाद में आप देखिएगा सिंपली आपको क्या करना है, ये 1/i है, ठीक है, और ये देखो आई साइन हाइपरबोलिक एक्स को आई साइन आई एक्स लिख सकता हूँ, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ साइन आई जेड लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ मैं आई जेड, क्योंकि आपको पता है हाइपरबोलिक हट जाएगा और आई अंदर पहुंच जाएगा, देखो यही तो फॉर्मूला है भाई, आप साइन आई एक्स का फॉर्मूला होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और साइन आई जेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक जेड बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह पर ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, तो वही चीज़ इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ के बाद में क्या करना है, देखो आप जानते हो, देखो 1/i की वैल्यू कितनी होती है, 1/i की वैल्यू -i होती है, जिन बच्चों को नहीं पता कि 1/i की वैल्यू -i होती है तो वो जरा ध्यान से समझो, 1/i है तो हमें इसको इस तरीके से लिख देना, 1/i में i ऊपर और i की नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 11वीं क्लास की बात है लेकिन समझ लो,
आई अपॉन आई की मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर तो आई हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आई स्क्वेयर, और आई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन होती है, बताई थी मैंने यहाँ पर, और माइनस वन को ऊपर लिख देंगे तो माइनस आई। तो ओवरऑल आपके दिमाग में हर समय हर पल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, एक बात हमेशा मेमोराइज होनी चाहिए कि वन अपॉन आई की वैल्यू होती है माइनस आई। तो इसीलिए मैं वन अपॉन आई की जगह पर लिख दे रहा हूँ माइनस आई, और ये कितना है आपका साइन आई, और एक्स जेड की जगह पे लिख दे रहा हूँ मैं आपका एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई क्यों लिख दिया? क्योंकि आप जानते हो जेड क्या है, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, चूंकि जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड बराबर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप क्या होता है? जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई इतना होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहे हैं और जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसलिए लिख दिया। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब यहां से अब बात वही बन गई पुराने वाली, क्या बन गई? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चलो अभी नहीं बनेगी बात, अब बनेगी। साइन आई के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई एक्स माइनस आई प्लस आई स्क्वेयर वाई इतना हो जाएगा। और अब देखना जरा, आई की मल्टीप्लाई कर दी आई एक्स और आई आई स्क्वेयर वाई, और आप जानते हो क्या जानते हो, बताओ क्या जानते हो आप, आई स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो आई एक्स माइनस वाई इतना आ जाएगा। अब ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है फॉर्मूला, ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये माइनस आई तो जो कहते हो, तो क्या है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस साइन बी, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा है? साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए, ठीक है, तो समझ में आ गई, कॉस ए साइन बी, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग माइनस आई ये आपका, इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खोलो, साइन आई एक्स की वैल्यू कितनी होती है? आई साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स है यहाँ पर, x है तो x हो जाएगा, इंटू कॉस वाई माइनस, ये कॉस का कितना हो जाएगा कॉस, ये हाइपरबोलिक x हो जाएगा साइन वाई। कॉस आई एक्स की वैल्यू कितनी होती है? कॉस हाइपरबोलिक x। अब i की माइनस आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस आई स्क्वेयर और साइन हाइपरबोलिक x कॉस वाई, और ये माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से मिटा दे रहा हूँ इसको, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर की वैल्यू होती है माइनस वन, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का पूरा, तो ये कितना आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिखाई देगा सिंपली, ये जो आपका क्या है रियल पार्ट है, और जिसमें आई लगा होता है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिखना चाहो लिख दीजिए, रियल पार्ट कितना है साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है आपका आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। आंसर समझ में आई बात नहीं आई? आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियरली क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या किया करो, समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा तो मैं आपके लिए पूरा, देखो एक्चुअली में क्या है कि आपका अच्छा रेस्पॉन्स है पहले से ही, मैंने देखा है 12th वालों से ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स है आपका। ठीक है, लेकिन आपकी वीडियो क्यों नहीं आ पा रही है, उसका कारण ये है कि 12th का थोड़ा सा सिलेबस और रह गया, वो कंप्लीट हो जाएगा तो उनका बोर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में उनकी तरफ कुछ नहीं देखना, उनका एक टेस्ट लिया करेंगे, टेस्ट सीरीज देता रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप पर फोकस कर देंगे। आपके एग्ज़ाम थोड़े से लेट होंगे तो इसीलिए, और दूसरी बात यह है कि फिर चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, आपको रात रात में जग के मेरे को क्लास चलानी पड़े, आपको चाहे पूरी रात मेरे को लाइव क्लास देनी पड़े, तो आपके लिए मैं लाइव क्लास दूंगा, लेकिन आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्ट करो, जितना ज़्यादा सपोर्ट करते हो आप, मेरे को अपने आप से एक एनर्जी मिलती है कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं।
ठीक है, वरना आप देख ही रहे हो काफ़ी दिन से वीडियो लेट सेट हो जा रही है, लेकिन अभी क्या है कि आपके लिए रेगुलर वीडियो का इंतजाम कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है कि मैं सोच रहा था, एक्चुअली मैंने अभी यहाँ पर वाईफाई नहीं लगवाया है। वाईफाई का मतलब क्या है, जो बैंकों में जो लगा रहता है केबल वाला कनेक्शन इंटरनेट का, वो लग जाएगा तो उसके बाद में क्या है कि पूरा दिन मिला कर कभी भी लाइव करते रहो, पूरे दिन करते रहो, अनलिमिटेड रहता है वो। वो मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे मेन चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब लगवाऊँ, बस यही दुविधा है। मैं अब लगवा लूँ, पर मेरा यही मैंने प्लान किया कि जब तक 1,00,000 नहीं होंगे तब तक मैं पैसा कोई भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं लगाऊँगा। जैसे 1,00,000 हो जाएंगे मैं तुरंत लगवा दूँगा, तो मतलब वही 1-1.5 महीना तो अभी लग ही जाएगा, 2 महीना कम से कम, और जब तक इनका इंटरवल कोर्स ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप थोड़े से पीछे हो जाओगे तो आप अच्छा रेस्पॉन्स करोगे, आप अच्छा सपोर्ट करोगे, तो हो सकता है कि अगले महीना में 1,00,000 हो जाए तो आपके लिए आ जाए। और स्पेशली मैं आपकी बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तीनों की गारंटी ले रहा हूँ, मैं तीनों के कोर्स कंप्लीट करा दूँगा आपके, ठीक है। चाहे आप और बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का भी स्टार्ट नहीं किया तो उनका भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो आप देख रहे हो वीडियो को बीएससी फाइनल और सेकेंड ईयर बारे, तो वो भी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, 1,00,000 करवा दीजिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। और नोट्सों के कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये पूरा फ्री रहेगा हमेशा, चलेगा। अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, रिसॉल्व ई की पावर साइन एक्स प्लस आई वाई, ये है आपका ई की पावर साइन एक्स प्लस आई वाई, इसको करना है सॉल्व। देखिएगा तो वी हैव क्या है, ई की पावर साइन एक्स प्लस आई वाई, ये चलिएगा। आप जानते हो, चलो मैं नीचे उधर क्या लिखूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आप जानते हो, देखना जरा, साइन एक्स प्लस आई वाई दे रखा है, इसको यहीं पर ऊपर ही सॉल्व कीजिए, ऊपर ही इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ई की पावर साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस ये कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक वाई, इतना हो जाएगा। और आप एक चीज़ जानते हो कि एक्स की पावर ए प्लस बी दे रखा है, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, इस तरीके से लिख सकते हो। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसीलिए मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ अलग अलग, ई की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू ई की पावर, इसको आई को पहले लिख दे रहा हूँ, आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से देखना जरा, ये आपको याद हो तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये बताया था मैंने। तो आप ये देखिए, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए क्या, कि भाई ये वाली जो वैल्यू है, आप सोचो कि ये थीटा होती तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता, ई की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और इसका ये यदि ये थीटा होता तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आई साइन थीटा, थीटा की जगह पर यही है, वही कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, चलिएगा। अब मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कैसे आएगी अंदर मल्टीप्लाई, देखिएगा ध्यान से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम। ये है आपका e की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, प्लस e की पावर, ये i यहाँ पर आगे लिख दीजिए, e की पावर साइन एक्स
कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन, और इसको ये वैल्यू लिख देंगे हम कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये चीज आ जाएगी आपकी। आगे ना आगे तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, रियल पार्ट हो जाएगा, इसमें आई लग रहा है तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप इमेजिनरी, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो ये आपका रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, इस तरीके से आप इनको सेपरेट कर सकते हो। आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ये देखिएगा भाई, रियल पार्ट कितना है आपका e की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और इमेजिनरी पार्ट कितना है आई e की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और साइन कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, तो इजीली समझ में आ रहे होंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल है, अजीब सा लगता है सवाल करने में लेकिन है बहुत ईजी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। ये जो सवाल है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, CCS यूनिवर्सिटी में ये कई बार आ चुका है, ठीक है, CCSU में 2019 में 15 में और 17 में आया था, 2019, 15, 17 इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिएगा। आपको ये है आपका भाई साइन स्क्वेयर एक्स प्लस आई वाई, इसको आपको सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। कैसे सेपरेट करोगे जरा ध्यान से समझो, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है ये साइन स्क्वेयर एक्स प्लस आई वाई है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या कब भाई, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या था, क्या था कॉस टू थीटा का, वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा, ये एक फॉर्मूला था, इसको इधर ले जाऊंगा ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वेयर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा, ये चीज आ जाएगी, और दो नीचे चला जाएगा तो साइन स्क्वेयर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा बट्टे टू, इतना आ जाएगा। थोड़ा सा इंक डाल ले रहा हूँ, चमक नहीं रहा, ठीक ठीक दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा सा और इंक डाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा, देखिएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है, चलिए इस सवाल को करते हैं आप। तो क्या चीज मिल गई आपको, क्या साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू, यानी साइन स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, वन माइनस कॉस टू थीटा बटे टू। तो वही चीज यहां पर मैं अप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, वन माइनस थीटा की जगह पे ये पूरा का पूरा थीटा मान लीजिए, वन माइनस कॉस टू थीटा की जगह पर क्या ये पूरा का पूरा थीटा हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस आई वाई अपॉन टू, ये चीज आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन टू मैं बाहर ले ले रहा हूँ, ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, वन माइनस दो की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस टू एक्स प्लस टू आई वाई, ये आ जाएगा आपका, और ये ब्रैकेट बंद, ये हो गया। अब कॉस ए प्लस कॉस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर, कैसे करोगे, वन अपॉन टू ब्रैकेट वन माइनस वन माइनस, और इसमें यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, तो क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस टू आई वाई, फिर माइनस प्लस में चिन्ह बदल जाते हैं कॉस वाले फॉर्मूला लगाते समय, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, और ये पहले ये वाला ब्रैकेट फिर ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि एक बट्टे दो सबसे बाहर है तो ये आ जाएगा एक बट्टे दो सबसे बाहर वन माइनस, ठीक है। इसका देखो जरा ध्यान से, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दो माइनस की तो ये कितना हो जाएगा कॉस टू एक्स माइनस इसमें, और ये देखिएगा कॉस आई टू वाई लिख सकते हैं, तो इसको आप कितना लिख सकते हो, इसमें तो आई हट जाता है सीधे सीधे हाइपरबोलिक आ जाता है, तो इसको लिख दोगे कॉस
हाइपरबोलिक 2y लिख सकते हो, क्योंकि आई हट जाएगा, बाकी हाइपरबोलिक आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये है आपका साइन 2x, और इसकी जगह पर कितना लिख सकते हो, आई साइन हाइपरबोलिक 2y। और ये जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 वन माइनस कॉस 2x कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस आई को आगे लिख देंगे आई साइन 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y, इस तरीके से आ जाएगा। 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि ये वाला जो पूरा का पूरा एक रियल पार्ट बन रहा है, और आई जिसमें लगा रहता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसीलिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नई चीज़ कर रहा हूँ मैं। नई चीज़ क्या है, कुछ नहीं, वही है, सवाल ही कर रहे हैं हम, नई चीज़ क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, आपको क्या करने जा रहा हूँ मैं, कि इसको मैं पूरे को एक ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, कैसे, देखिएगा, 1/2 और इसको आप 1 cos 2x इंटू cos हाइपरबोलिक 2y, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस प्लस, और ये i के साथ में 1/2 लगा दो, 1/2, और ये लगा दो साइन, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखाई दे जाए। साइन 1/2 आई को पहले ले लिया, 1/2 साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y, ये आ जाएगा। तो दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। हो गया ना, हो गया सवाल सॉल्व, तो हो गया रिजॉल्व, हो गया सेपरेट, हो गया रियल पार्ट, और लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा भैया। रियल पार्ट क्या है आपका, 1/2 वन माइनस कॉस 2x कॉस हाइपरबोलिक 2y, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है आई 1/2 साइन, आगे लिख दीजिए साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y, दिस इज आंसर। समझ में आई बात नहीं आई, तो इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, क्योंकि आज ये जल्द जाते जाते बनाइए। अब मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ यार, एक घंटे की वीडियो बनाऊँ, फिर टाइम थोड़ा सा रहता है, चाहे 30 मिनट की वीडियो बन पाए, चाहे आपके लिए एक मतलब 40 मिनट की वीडियो बन पाए, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने के चक्कर में क्या लंबे समय में आए, लेकिन रेगुलर वीडियो चलती रहेगी तो दो चार चार सवाल होते रहेंगे, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। क्योंकि अब चलेगी आपकी ग्रुप थ्योरी चलाने वाला हूँ एक दो दिन में, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी में क्या है कि आपके जैसे ग्रुप थ्योरी करोगे आप, तो उसमें आपके एक एक थ्योरम भी करते रहोगे रोज की, तो वो मतलब रोज की होती रहेगी, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके लिए एक वीडियो को कहीं ना कहीं से इंतजाम करता रहा करूँगा, हर रोज़ की एक वीडियो तो सेपरेट आपको देता रहा करूँगा, ताकि बोलते ना ज़्यादा बड़े के चक्कर में फिर छोटा भी ना रहे, तो आपका छोटे छोटे सवाल चार चार सवाल करते रहोगे, तो दो दो चार चार नंबर क्लियर होते रहेंगे, तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी फिलो में आप चलते रहोगे। तो इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो का ना करके आप थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।